ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मथुरा के गोवर्धन से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत राधाकुंज के गांव नगला पंजाबी और गांव पाली पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी है, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर तीखे शब्दों से प्रहार किया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पटका व फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। देखो बहुत नुकसान है, बारिश हो रही है, दो बार बारिश पहले हो गई और अब भी दो दिन की बारिश बता रखी है, तो बहुत नुकसान है। जो शहर में लोग रहते हैं उनको जानकारी है नहीं, उनको तो गर्मी होगी और बारिश होगी तो उनके लिए तो ठंड है, इंजॉय है। लेकिन ये पुरानी कहावत है, अगर इस टाइम पे सोने की भी वर्षा हो तो वो भी नुकसान की। और ये जो अनाज है किसान का नहीं है, देश का है। अगर अनाज कम हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, तो सरकार ये कि तुरंत राहत किसानों को दे दो, उसका बीज खाद सब चीज लगी है, प्रोडक्शन कम होगा और लागत बढ़ेगी, तो उसका नुकसान है इसकी भरपाई सरकार को। सर एमएसपी को लेके क्या कहेंगे सरकार ने? एमएसपी तो है ही नहीं, सरकार झूठ कहती है, थी है और रहेगी, ना खरीद हुई ना हो और ना होगी। कमेटी जो गठित की, कोई कमेटी नहीं बनी सर, झूठ बोलते हैं, ये देश को गुमराह करे, कोई कमेटी एमएसपी पर बनी ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। सर जैसा कि यहाँ पे किसान गन्ना मिल काफी साल से बंद पड़ी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किसानों का काफी लॉस हुआ है। बिल्कुल लॉस हो रहा है, उसके लिए बार बार कहा भी गया है कि शुगर फैक्ट्री चला है, लेकिन उसका कोई काम यहाँ तो हुआ नहीं। एमएसपी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन, देश में बड़ा आंदोलन एमएसपी को होगा और पूरे देश में होगा, नॉर्थ में, इसमें भी जो स्टेट हमारे हैं मेघालय आसाम के हैं, तो उनके किसानों को भी एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए, वहां पे भी खरीद हो उनका लाभ किसान। देखो बहुत नुकसान है। वही खबर छाता से, जहां पर स्टेट बैंक में पासबुक में एंट्री करा रहे व्यक्ति की जेब से दो महिलाओं ने 1,00,000 रुपए निकाल लिए। सीसीटीवी कैमरे में जो पूरी घटना है वो कैद हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार बैंकों की सुरक्षा के लिए हर दिन स्थानीय पुलिस के द्वारा आसपास की बैंकों में जाकर चेकिंग व जांच करनी होती कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति बैंक में या आसपास तो नहीं घूम रहा। वहीं आज इन बैंकों के पास लूट, जेब कतरी व अन्य घटनाएं होती रहती है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बैंक व जनता की सुरक्षा हेतु निर्देश दिए गए, लेकिन उनका पालन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी एक घटना चौथा में स्थित SBI बैंक में हो गई, जहां एक व्यक्ति के द्वारा अपने बैंक खाते से 1,00,000 रुपए निकाले थे। पीड़ित व्यक्ति अपने पासबुक में एंट्री करवाने के लिए दोबारा से लाइन में लग गया था, अभी दो महिला पीछे से आई और जेब में रखे 1,00,000 रुपए चुरा ले गई। मैं बैंक में सुबह पैसे निकालने गया, पैसे उन्होंने काउंटर से लेके जेब में रख दिए और मैं एंट्री कराने चला गया। एंट्री कराने के समय वहाँ दो चार लोग थे वहाँ, और उस चक्कर में मैं वहाँ खड़ा रहा। खड़े होने के बाद में मेरा नंबर आ गया, एंट्री कराने के बाद में मैं निकला, मैंने जेब में हाथ दिया तो 2,000 रुपए की गड्डी 50 नोट की गायब थी, निकाल लिए किसी ने। उनमें मेरे पीछे दो लेडीज लगी हुई थी, कैमरे लगे हुए, उनकी फुटेज देखी हमने, वो गेट से जान जा रही थी तो वो हाथ में लेके जा रही थी। मैं बैंक में सुबह पैसे निकाल। मथुरा के छाता से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत छाता तहसील के गांव रनवारी उमराया अलवाई छाता आदि गांवों में बारिश के कारण बर्बाद हुई गेहूं की फसल का निरीक्षण करते हुए लाटपुर पहुंचे। आपको बता दें कि किसानों की समस्या सुनी है, इसके साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर तीखे शब्दों से हमला बोला है। छाता व लाटपुर में भारतीय किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का पटका फूलमाला या साफा पहनाकर स्वागत किया है। देश में जिस भी स्टेट में जा रहे, जहां पे भी जा रहे, ये लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान है। अगर हरियाणा में गए तो वहां लगता है कि इन किसानों का नुकसान है। अगर छाता तहसील में आए और इनकी घटनाएं देखी आन के, आज भी इनके खेत में पानी भरा है, ये पूरा सड़ा हुए खेत तकती हुए है, तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान है। यहाँ तो 100% नुकसान इनका। तो क्या कुछ कहोगे, जैसे कि कहा जाता है कि जय जवान जय किसान को लेकर जो नारा दिया जाता है, भाई नारा ये कागजू में है, इन किसानों के पास लोग तो है नहीं, जय जवान जय किसान का नारा तो है, लेकिन जो नुकसान इन किसानों का हो रहा
उसकी भरपाई कुछ नहीं कर रहे, अधिकारी को 50% बता रहा। इनको तो जो जुताई करनी पड़ेगी तो 100% नुकसान के बाद में खेत खाली करने भी महाभारत है इनके साथ। ये बीमारी फैलेगी इनसे, इनसे तुरंत इनको पूरे खेतों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सरकार आवे कंबाइन वे लेकर दूसरी चीजें इस पर पलटा मारे तो बच जाएगा, नहीं तो बीमारी और गांवों में फैलेगी। आने वाले टाइम पे बीमारी भी फैलने का खतरा है क्योंकि सारा अनाज सड़ेगा। ये तो किसान को क्या कुछ करना चाहिए? किसान क्या कर सकता है भाई, आपके माध्यम से आवाज उठा रहा है, आपके माध्यम से हम सब लोग आवाज उठा रहे हैं अपनी, और सरकार को अगर ये दिखाई नहीं दे रहा, अधिकारी आन के यहाँ पे झूठ बोल रहे, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री को और उनको सबको ये कह रहे कि इन पूरे क्षेत्र का जहाँ जहाँ फिजिकल सर्वे करो, जो नुकसान हुए। वही खबर मथुरा से, जहां पर महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। महिलाओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि थाना गोवर्धन क्षेत्र में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक ठग ने लगभग 15 से 20 महिलाओं से ठगी करते हुए लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए। और जब लोन दिलाने की बात सामने आई तो ठग ने महिलाओं को फोन पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद महिलाओं ने ठग को गोवर्धन के 100 करोड़ स्थित एक्सचेंज के सामने से पकड़कर थाना गोवर्धन की पुलिस के हवाले कर दिया है। हमारे घर पे आया था, हाथ जोड़ रो अमन पर रो, मतलब भैया रंगीन में, और हमसे कह रहा था 5 लेडीज का समूह बना दो। तो हमने 5 लेडीज का समूह बनाया, फिर बोला कि 5 जन का लोन नहीं होगा, 10 का समूह बनाओ। फिर हमने 10 का बनाया, तो 10 में थे ये अटकाए हाथ की हाथ, हम पे थे कागज ले गया और पैसा ले गया। हमसे बोला कि कल में आऊंगा, कल मीटिंग करूंगा, रात का लोन पास कर जाऊंगा, आप कल पैसा ले लिया जाना। ठीक है, तो अब हमने फोन करो यहाँ के पास, तो हमसे बोलो मैं मथुरा से बोल रहा हूँ, तुम आप मथुरा आ जाओ। तो हम मथुरा गए, तो मथुरा जाए भूतेश्वर पे टावर कॉलोनी में, तो हम ना टावर कॉलोनी में पूरी गली गली छान मारेंगे, यहाँ का कोई नाम नहीं पता नहीं, कोई मतलब ऑफिस नहीं कुछ नहीं, वहाँ से डोल डाल के हम 10 बजे आए रात। आज किस मामले को लेके आज थाना गोवर्धन में आई हैं आप? किस्त के में। क्या किस्त? किस्त ले रहे हैं हम, जाना मंत्री जी बहकाई के किस्त ले लो तुम 45,000 रुपया, और मतलब हमें इतने इतने पैसा दे दो। कितने कितने? 15-15 से। अच्छा, हम बोले मैंने भैया 45 के कितने भरे जाएंगे, 7,000 रुपया ब्याज के जाएंगे, और 1940 रुपये भरे जाएंगे हर महीना। हमारे घर पे आया था, मथुरा के गोवर्धन से, जहां पर पोषण पखवाड़ा के तहत श्री अन्न के प्रयोग में रैली निकाली गई। गोवर्धन सीडीपीओ पूर्णिमा पांडे ने श्री अन्न के प्रयोग की जानकारी दी। आपको बता दें कि बाल विकास द्वारा चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्रा के आदेशानुसार सीडीपीओ पूर्णिमा पांडे के नेतृत्व में गोवर्धन में श्री अन्न के प्रयोग से संबंधित गांव में महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाओं को बैठक कर श्री अन्न की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। पोषण पखवाड़े का प्रोग्राम किया, रेसिपी का प्रोग्राम किया, और पोषण पखवाड़े की रैली निकाली गई, और यहाँ हमारे कार्यालय से और विभिन्न गलियों द्वारा चौराहे से वहाँ तक रैली निकाली गई, और इसमें मोटे अनाज के संबंधित उनको जानकारी दी गई, और कुछ नारे भी लगाए गए। नारे लगाए गए, सही रोशन, सही पोषण देश रोशन, पोषण पखवाड़े का प्रोग्राम। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र से, जो उसका बाजार के ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में युवक का शव नाले के पास मिला। युवक की पहचान शहीद के रूप में की गई है। शव मिलने से आसपास में सनसनी सी फैल गई। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, मृतक युवक के गले पर निशान भी पाए गए। इसके बाद घटनास्थल पर ब्रजमनगंज पुलिस और उसका बाजार पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही ब्रजमनगंज पुलिस ने शव उसका बाजार पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। लहास यही वजह के मिले लखा घरे 8 बजे तक ले रहले हैं, कब रात में के जाने के मरली के खा कैली तब नाई कुल जानती सवेरे जानल गई लखा हल्ला भइल। गांव लोग उल्टा पार के हमरे गांव के मने अइले देखले हल्ला भइल तो पता चलल
किन्हला की शहीद होके थाना कौन सा पड़ेगा और गाँव उसका। सुबह 7 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि एक डेड बॉडी है मिली है, तो उसकी शिनाख्त की गई, पूछताछ की गई। उसके पश्चात पता चला कि ये शहीद पुत्र सिकंदर ग्राम लक्षणपुर थाना उसका बाजार की है, और पीएम हेतु इसकी डेड बॉडी को जिला अस्पताल भेज दिया गया, आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। के बैराज से जोपर इलाज करने की जगह खेलने गए मेडिकल कॉलेज के अंदर क्रिकेट। वही कर्मचारियों द्वारा अस्पताल के भीतर क्रिकेट के लिए जाने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि सीएम ने सोपी चौधरी की लापरवाही उजागर हुई है, जहां बैराज के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुराने महिला वार्ड में क्रिकेट खेलते हुए अस्पताल कर्मी नजर आ रहे हैं। वही खबर यूपी के बांदा से, जहां पर पहाड़ पर अवैध ब्लास्टिंग का विरोध करना भारी पड़ गया। खनिज माफिया के गुर्गों ने ग्रामीण को जमकर पीटा है, साथ ही घायल को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि नरैनी तहसील के जरर गांव के पहाड़ों में खनन माफिया मानक के विपरीत ब्लास्टिंग कर रहे हैं। कहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं? जरर में कहाँ? पहाड़ों पर करते हैं? अच्छा, पहाड़ के नीचे बस्ती है, मकान। अच्छा, बस्ती है, मकान है आपका? जी, ये भी जस्ट पहाड़ के नीचे से। जी, वहाँ ये जो कहते हैं हमारे घर दुश्मन ये साधारण होल चलाओ। हाँ, साधारण काम कर रहे थे, चक्कर वाले से होल करते हैं, 4 इंची का लाउड नहीं करते, गाली गलौज करते हैं। जो हम गाली गलौज करते हैं तो 4-4 8 8 विरोध आते हैं। अच्छा, तो आज आपने विरोध किया था? हाँ। 4 इंची ब्लास्टिंग करते हैं पहाड़ों पर, उसके ईंटे पत्थर आते हैं क्या घरों में? पत्थर आते हैं, धमक से मकान फाटता है। अच्छा, ब्लास्टिंग की धमक से मकान फट जाते हैं। ये कोई घर वस्तु में काम के 21 वर्षीय विवाह लाया गया है, उसके साथ मारपीट की गई, उसके हाथ में और थोड़ा सा छाती में उसकी चोटें हैं, उसको यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके उसको दवाई देके यूपी कानपुर देहात से, जहां पर दो थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे एक नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही गिरफ्तार आरोपी गिरोबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त था। इसके साथ ही मुखबिर के सूचना पर गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। ये जो पूरा मामला है वो कोतवाली भोगनीपुर सर्किल क्षेत्र का बताया जा रहा है। जनपद कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत सफलता प्राप्त करते हुए थाना भोगनीपुर व थाना देवराहट की संयुक्त टीम द्वारा एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का नाम विनय पुत्र जागेश्वर है, जो कि थाना बरौल का रहने वाला है। अभियुक्त के ऊपर धोखाधड़ी व गैंगस्टर से संबंधित मुकदमे पंजीकृत थे। अभियुक्त विषय काफी समय से वांछित चल रहा था, जिसे आज दोनों थानों की टीम द्वारा पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। जनपद कानपुर देहात। वही खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गेहूं की फसल जो थी वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। बताते चले कि कड़ी मशक्कत के बाद नगर पंचायत वासियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची है, लेकिन तब तक जो आग थी वो बुझ चुकी थी। वह गेहूं की फसल में आग लगने से काफी नुकसान हो गया है। पूरा मामला नगर कोतवाली के कटरा मेहंदनीगंज के वार्ड नंबर 2 बाजार खास पूर्वी का बताया जा रहा है। तब तक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।